नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं upnewsclick.com। आज हम लेके आए हैं महाराष्ट्र राजनीति के बारे में कुछ जानकारियाँ। 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी शिवसेना के बीच सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जारी खींचतान को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना भी जताई जा रही है। यदि 9 नवंबर तक राज्य में नई सरकार का गठन नहीं होता है तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अन्य संवैधानिक विकल्पों पर काम करना होगा। आइए एक बार नज़र डालते हैं संवैधानिक बाध्यताओं और राज्यपाल के सामने मौजूद विकल्पों पर। 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभाओं के कार्यकाल के नियम निश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 172(1) में स्पष्ट लिखा है कि यदि 5 साल के भीतर विधानसभा भंग नहीं हुई तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। 5 साल बाद विधानसभा का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाता है, उसके बाद नई विधानसभा का गठन होता है। राज्य में 31 अक्टूबर 2014 को फडणवीस सरकार का गठन हुआ था, वहीं विधानसभा की पहली बैठक 10 नवंबर को हुई थी। इसका मतलब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। क्यों है राज्यपाल की भूमिका अहम? महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व सचिव अनंत कलसे के मुताबिक सरकार गठन की प्रक्रिया में राज्यपाल और बहुमत प्राप्त दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सरकार गठन के लिए राज्यपाल को पत्र देना चाहिए, या राज्यपाल को ऐसी स्थिति में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह उनकी संवैधानिक जवाबदारी है। राज्यपाल के बुलावे के बावजूद बीजेपी सरकार के गठन से इनकार करती है तो दूसरे सबसे बड़े दल को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल के पास दो विकल्प हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं दो विकल्प। पहला, अगर 9 नवंबर तक कोई दल सरकार नहीं बना पाता तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को सस्पेंड एनिमेशन में रख सकते हैं। विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। दूसरे, यदि सभी दलों ने सरकार गठन से इनकार कर दिया हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हो जाती हैं। विधानसभा का कार्य संसद करती है, इसके लिए 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी जरूरी है। राज्य में 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। यदि 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद राज्य में 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 साल से अधिक किसी कीमत पर नहीं हो सकती। आइए बात करते हैं बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है 145। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन बहुमत का यह आंकड़ा तभी लागू होता है जब विधानसभा में सभी 288 विधायक उपस्थित हों। उदाहरण के लिए, अगर विश्वास मत के दौरान 54 विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 118 होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए सदन में बहुमत सिद्ध करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और YouTube चैनल को ढेर सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें